वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का वकला के तमाम गैर कानूनी चैंबर्स गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज कर ली। वकला की मुतबादल जगह मिलने तक वक्त देने की सदा मंजूर मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने वकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी खारिज कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर बनी हैं वो भी मस्वार कर दें। किसी गैर कानूनी काम को जवाब कैसे बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने वकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी खाली कराने का हुक्म देते हुए तमाम गैर कानूनी चैंबर्स गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैंबर्स को बरकरार रखने दें। वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक के दावा नहीं, जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। वकील शुहेब शाहीन ने अदालत को बताया कि फुटबॉल ग्राउंड पर कई अदालतें भी बनी हुई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर बनी हुई हैं वो भी मस्वार कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी गैर कानूनी काम को जवाब कैसे फराहम कर दें। हामिद खान साहब दो माह में ग्राउंड खाली करें। वकील हामिद खान ने कहा कि हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में मुंतकिल होने तक का वक्त दे, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि इतना लंबा वक्त नहीं दे सकते। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी चैंबर्स मस्मार करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म बरकरार रखा है। अदालत ने वकला की मुतबादल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी।